जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि सियोल के आधिकारिक नोटिस के माध्यम से सियोल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा पेश किया है कि अगर कॉलेज में 3.4% से कम छात्र पाए जाते या कोई भी अचूक होता, यदि कॉलेज में इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसे सेमेस्टर छठवें सेमेस्टर के छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा के पेपर निर्णय लेने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसलिए आप लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की है कि यह सही है या गलत। इस समीक्षा में मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह प्रस्ताव वकील के माध्यम से बनाया गया है, इसकी आधिकारिक सूचना आप लोगों को है, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा या जैसा कोर्ट का नियम होगा इसकी फाइनल नोटिस आपके सामने 10 मार्च से 15 मार्च के बीच जारी कर दी जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ही रखिए ताकि कोई भी छूट ना पाए। आप लोग किसी भी जानकारी के लिए और इस तरह की जानकारी वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल को एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यह बात ठीक है तो यह सही तरीका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।